हाय गाइस, कैसे हो आप। आज नई रेसिपी के साथ आज बनाएंगे हम स्पीकी पोटैटो। ये 2 पीस आलू लिए, उनको अच्छे से ग्रेट करेंगे। और एक दूसरा आलू लिया, अच्छे से ग्रेट किया और फिर बर्तन में डालेंगे। इसमें डालेंगे साल्ट, एरोमेट पाउडर, हल्का चिल्ली ऑयल और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, हल्के हाथों से मिलाएंगे जिससे हमारे आलू टूटे ना। और आप देख सकते हैं, और इसके बाद फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम ध्यान रखें, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे जिससे पूरा बाउल ना बन जाए। इतना दबाना है जिससे कि हल्के हल्के ये खुले रहें, और फ्राई जब करेंगे तो पूरा ही खुल जाए। तो आप देख सकते हैं मैं कैसा फ्राई कर रहा हूँ, हल्के हाथों से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल खुले खुले थे और क्रिस्पी। अब बनाएंगे हम हॉट गार्लिक सॉस। गार्लिक डाला, ड्राई रेड चिल्ली, ऑयल, अच्छे से टॉस करेंगे। ये हमारी हॉट गार्लिक सॉस है, गार्लिक का ही फ्लेवर आना चाहिए। इसके बाद डाला केचप, चिली पेस्ट और अच्छे से भूनेंगे। इसमें डाला हमने पानी, इसके बाद एरोमेट, सॉल्ट, हल्का सॉल्ट और डाला, चिल्ली ऑयल, हल्का चिल्ली ऑयल और डाला। अभी भी हमारे पोटैटो ब्राउन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारी प्लेटिंग मेयोनीज के साथ। ये प्लेटिंग हमारी कंप्लीट हुई। इसमें डालेंगे स्पीकी, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं, बिल्कुल करारे। और इसके ऊपर से डालेंगे हम हॉट गार्लिक सॉस। तो दोस्तों कैसा लगा, और ये हमारा स्पीकी पोटैटो तैयार है।